हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा। दोस्तों, आप मुझे फिलोसोफर गुरु भी कह सकते हैं। मैं आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करवाऊँगा और ऑप्शनल फिलोसफी सब्जेक्ट के साथ साथ इथिक्स पढ़ाऊँगा और अदर जीएस के सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी मेंस जीएस 4 सब्जेक्ट एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की। आज बात करते हैं हम सबसे पहले एथिक्स के सिलेबस की। तो जो हमारे पास ओरिजिनल सिलेबस है, हम उससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनके मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है, यानी कि केस स्टडी का। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी में एथिक्स पेपर 4 को शामिल करने का एक ही लक्ष्य है, वो ये कि ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करना जो कि जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार वो सही गलत का निर्णय लेते हैं, किस प्रकार वो सही निर्णय लेकर अपना और समाज का कल्याण करते हैं, किस प्रकार वो वेलफेयर की बात कर सकते हैं। यह जीएस 4 पेपर आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा, जहाँ पर सीसेट पेपर में आपको डिसीजन मेकिंग के सवाल देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भी आपका पेपर 4 काम आएगा। और एसए में भी आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स के कुछ बिंदु डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं इसके पहले टॉपिक से, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। इसके अंतर्गत दिया गया है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा जैसे कि मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। इसमें हम दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि एथिक्स क्या है, एथिक्स को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, एथिक्स की शाखाएं क्या है, उसका एसेंस क्या है, एथिक्स और मॉरेलिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, एथिक्स के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, लोक प्रशासन में एथिक्स का क्या रोल हो सकता है। इस तरह से हम निजी और सार्वजनिक संबंधों में एथिक्स की क्या भूमिका है, हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अभिवृत्ति किसे कहते हैं, वृत्ति क्या है, विचार किसे कहते हैं, आचरण किसे कहते हैं, नैतिकता क्या होती है, राजनैतिक अभिरुचि क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है एथिक्स को लेकर के, और धारणा किसे कहते हैं। उसके बाद सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि भावनाएँ क्या होती हैं, बुद्धि क्या होती है, भावनात्मक समझ क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, शासन व्यवस्था में उसको हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को कैसे समझकर उसके हिसाब से हम अपने ड्यूटी को निभा सकते हैं, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन फिलोसोफर और वर्ल्ड के जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर और थिंकर्स रहे हैं, हम उनके योगदान को और उनकी फिलोसफी के बारे में जानेंगे। फिर दिया हुआ है लोक प्रशासनों में लोक, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं,
नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। फिर दिया हुआ है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, ध्यान व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। फिर सबसे अंत में हम देखेंगे उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन यानी केस स्टडी। केस स्टडी में दोस्तों हम रियल प्रॉब्लम्स को लेंगे और एक ब्यूरोक्रेट कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम उस अवधारणा को समझेंगे। ये तो हो गई यूपीएससी सीएससी का सिलेबस जो कि हमें यूपीएससी ने प्रोवाइड करवाया है। अब हम इस सिलेबस को तोड़ कर देखते हैं कि हम इस सिलेबस में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस सिलेबस को तोड़ कर दिखाता हूँ कि हम इस सिलेबस को कैसे कवर अप करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। पहला है तीन टर्मिनोलॉजी हैं जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स कहते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एथिक्स क्या है, इसका संबंध हमारे समाज, संस्कृति और संस्थान से होता है। इंटीग्रिटी क्या है, इसका संबंध व्यक्ति के आचरण से होता है। एप्टीट्यूड, इसका संबंध व्यक्ति के व्यवहार, विचार और संस्कारों से होता है जो कि उसको परिवार, समाज, जिस समाज में वो रह रहा है, जिस संगति में वो रह रहा है, वहाँ से उसको मिलते हैं। संस्कृति और समाज की कितना अनुकूल व्यवहार होता है ये डिसाइड करता है कि आप कितने एथिकल हो, इंटीग्रिटी हो है आप में, एप्टीट्यूड क्या है आपका। फिर हम बात करेंगे सैद्धांतिक पक्ष की जिसमें हम पढ़ेंगे कि नीति शास्त्र क्या है, अभिवृत्ति क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, सोशल रेफरेंसेस, लीडर्स के विचार देखेंगे। फिर सिविल सर्विस में वैल्यू एंड एथिक्स की भूमिका क्या है। फिर हम केस स्टडी देखेंगे, हम इसको छः डायमेंशंस में बांट के देखते हैं। पहला आचरण, दूसरा व्यवहार, तीसरा कार्यप्रणाली, चौथा मूल्य, पांचवा संस्कार और छठा विचार। अब हम इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आती हैं जिसके बीच हमें डिफरेंसेस करने आने चाहिए क्योंकि यूपीएससी कभी कभी हमसे उनको डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लेती है, जैसे कि सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं, समझाइए इस तरह से। तो पहला है जैसे कि अध्यावसाय किसे कहते हैं, सेवा भाव क्या है, प्रतिबद्धता किसे कहते हैं, अंतरात्मा की पुकार क्या है, चेतना का संकट क्या है, क्राइसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, नैतिकता क्या है, सहानुभूति क्या है, सहिष्णुता क्या है, करुणा क्या है, हित संघर्ष किसे कहते हैं, सुख क्या है, आनंद क्या है, नीति प्रभाव, संतोष, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेरणा। इस तरह से हम इन सभी विचारधाराओं को देखेंगे कि ये सब क्या है, एथिक्स प्लस मोरालिटी में क्या डिफरेंसेस है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ अंतर्निहित हैं, क्या इन दोनों में अलगाव है। इस तरह से हम दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे। अब हम बात करते हैं फिर से अपने टर्मिनोलॉजी की, उपभोगवाद, आत्मा, हृदय, बुद्धि, मन, संस्कार, अवचेतन मन, चेतना, अंतःप्रज्ञा, क्षमा, धैर्य, सत्य, आत्मसंयम, विश्व, परोपकारिता, आज्ञाकारिता, अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस, उदारता, मनोबल, ईगो, आत्मसम्मान, कुंठा, दमन, निष्काम कर्म, पाप पुण्य, सृजनात्मकता, नवोन्मेषता, क्रोध, घृणा, वासना, भोगवाद, ईर्ष्या, चापलूसी, पाखंड, षड्यंत्र। हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे और इनकी डिफिनेशन जानेंगे कि इनको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। फिर हम लीडर और सोशल रेफरेंसेस देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को, कौटिल्य को, अशोक को, रूसो को, महात्मा गांधी, अरविंद, दयानंद सरस्वती, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, रविन्द्रनाथ टैगोर, नारायण गुरु, राम मनोहर लोहिया, एमन रॉय, दीनदयाल उपाध्याय, नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो रेफरेंसेस है ये आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। हिस्ट्री में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति काल, सूफी, ये सब कुछ आपको हिस्ट्री के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कैसे हम समाज में एथिकल वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं।
जैसे कि महात्मा गांधी ने साध्य और साधन का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बोला था कि हम अगर किसी साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए साधन शुभ होना चाहिए। तो हम इस रेफरेंस में देखेंगे कि एथिकल नॉर्म्स में कैसे कोई विचारधारा काम करती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बुक्स की, हमें एथिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है। हमें सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट पढ़नी है, एथिक्स एंड गवर्नेंस, सेकंड एआरसी 12th रिपोर्ट, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बुक है वो लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल के द्वारा ये लाई गई है, इसको हमें पढ़ना है। दोस्तों एथिक्स के बारे में आपको एक बात बता दें, एथिक्स जो है ना बहुत ही अपने आप में व्यापक विषय है। इसको हम दो सेंस में देख सकते हैं, एक विषय के क्रम में और एक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के सेंस में। तो हमें जो एथिक्स पढ़ना है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के सेंस में पढ़ना है, और हम एथिक्स को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। और दोस्तों पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपको, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपके जो भी सुझाव हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और हमें बताइए कि हम कैसे और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और दोस्तों आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।